दोस्तों विक्रम संवत 2079 जो कि आज से शुरुआत हो रहा है और आज ही के दिन दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि का उदय हुआ था और इसी दिन दोस्तों प्रकृति में बदलाव आता है। तो आइए जानते हैं विक्रम संवत के बारे में। दोस्तों विक्रम संवत को भारतीय तो मानती हैं, इसके साथ साथ नेपाल में भी होती है इसका पालन। नए संवत्सर की शुरुआत शनिवार से हो रही है और विक्रम संवत कैलेंडर का यह 2079वां वर्ष होगा। दोस्तों इस संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। यूं दुनिया में कई तरह के कैलेंडरों की मान्यता है पर सनातन धर्म में विक्रम संवत का खासा महत्व है। देश में सबसे लोकप्रिय कैलेंडर यही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि संवत कोई भी राजा घोषित कर सकता है, इसके लिए नियमों का पालन करना होता है। इसमें खास है कि उनके राज्य में जनता पर कर्ज न हो, राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो। दोस्तों महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन को ही विश्व में प्राचीन काल गणना का केंद्र माना गया है। विक्रम शोध संस्थान उज्जैन के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीराम तिवारी का कहना है कि राजा विक्रमादित्य के नाम पर बना विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे है, यानी जब ईस्वी सहित अन्य काल गणना नहीं थी उससे पहले विक्रम संवत प्रचलित था। विक्रमादित्य ने नवरत्नों में से एक वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र के ज्ञान का इस कैलेंडर को बनाने में उपयोग किया। विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद विक्रम संवत की घोषणा की। इसके बाद भी देश में कई प्रतापी और बड़े राजवंश हुए लेकिन किसी और के नाम पर संवत शुरू नहीं हो पाया। इससे पहले युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत और सप्तऋषि संवत प्रचलन में थे। दोस्तों ज्योतिष के अनुसार नौ संवत जिस दिन आरंभ होता है उस दिन के वार्ष के अनुसार ही राजा का निर्धारण होता है। इस वर्ष विक्रम संवत में शनि राजा और गुरु मंत्री होंगे। नए वर्ष से प्रकृति में परिवर्तन होता है और पर्व त्योहार शुरू हो जाते हैं। उज्जैन में स्थापित महाराजा विक्रमादित्य की प्रतिमा इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी जो कि सनातन हिंदू धर्म का नव वर्ष है। तो आओ दोस्तों नव वर्ष का शुभारंभ करें। जय माता जी, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।